Assalamu alaikum guys, hopefully you are doing fine. Welcome to another video of freelancing by R&D. Aaj ki hamari video ka topic hai apni skill ko craft karna. You have decided to do freelancing video series dekh ke aap logon ko ye to decide kar liya hoga ki yaar hum freelancing mein apna career start karenge. But freelancing shuru karne ke liye as a freelancer aapko kuch skill bhi to chahiye. So you need to craft your skill. आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्किल है जिसको आप लोग लेके फ्रीलांसिंग में इन हो गए. लाइक अगर स्किल्स की बात करें, सजेस्टेड स्किल्स की, ई कॉमर्स आ जाता है. ई कॉमर्स में अमेज़ॉन, ईबे, वॉलमार्ट और ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं, उसमें आप लोग महारत हासिल करते हो और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो. लेट्स से स्किल की बहुत ज़्यादा डिमांड है. उसकी रीज़न कोविड है कि ओवरऑल तो ई कॉमर्स बढ़ ही रहा था, उसकी डिमांड बढ़ रही थी, बट कोविड ने उसको मज़ीद बूस्ट दिया. जैसे लोगों ने देखा है कि फ़िज़िकल बिजनेस सारे ऑफ हो गए थे लॉकडाउन की वजह से, बट ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग चल रही थी. सो फिज़िकल बिजनेसिस ने देखा कि यार हमारा बिज़नेस तो ठप हुआ हुआ है, लेकिन ऑनलाइन तो धड़ल्ले से चल रही है. तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि हम मूव होके ऑनलाइन बिजनेसिस की तरफ जाएँ. और जब ऑनलाइन बिजनेसिस की तरफ आए, अमेज़ॉन की तरफ आए, वॉलमार्ट, ईबे की तरफ आए, तो उनको बेचना नहीं आता. बिकॉज ये इतना ईजी नहीं है कि अकाउंट बना के कुछ भी बेचना शुरू कर दो. यू नीड टू अप्लाई द थिंग्स, यू नीड टू फॉलो द रूल्स. तो उन्होंने फिर एक्सपर्ट्स जुड़ना शुरू कर दिए. और वो एक्सपर्ट्स कौन थे? जिनकी अमेज़ॉन में स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, जिसकी स्किल के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप है. तो इस चीज़ की डिमांड बढ़ती जा रही है. अली बाबा के ओनर ने बोला जी कि हमारा टारगेट है कि 2030 के एंड तक हम 85% बिजनेसिस को ऑनलाइन ले आएंगे, और उसकी तरफ वो तेज़ी से गामजन है. और उसके लिए हमें भी इस फील्ड में जितना जल्दी इन हो जाएं, इसमें ग्रिप हासिल कर लें, अपनी स्किल को पॉलिश कर लें, वो हमारे लिए फ़ायदा मंद होगी. उसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाती है, लॉगो डिज़ाइनिंग, बिजनेस कार्ड, इमेजेस डिज़ाइनिंग, स्केचिंग वगैरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आता है. अगर आपकी स्किल या आपका इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तो आप इस स्किल की तरफ जा सकते हैं. वेब डेवलपमेंट आ जाती है, डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग वगैरह आते हैं. ये स्किल्स ऐसी हैं जिनकी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है. इसके अलावा वीडियो एनिमेशन भी आ जाते हैं. इस तरह की स्किल्स की मार्केट में अच्छी डिमांड है, अच्छी मार्केट वैल्यू है. आपको इनमें से या कोई भी स्किल आप लोगों को सीखनी पड़ेगी इफ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर इन फ्रीलांसिंग. अब एक मेरी सजेशन है आप लोगों को कि डू नॉट गो फॉर द स्किल यू डोंट हैव इंटरेस्ट. अगर आपका किसी स्किल में इंटरेस्ट नहीं है, आप कहते हो मेरा ई कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है, सो वी डू नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर ई कॉमर्स. अपना टाइम भी ज़ाया ना करें, अपने पैसे भी ज़ाया ना करें. बिकॉज आपके चीज़ में इंटरेस्ट, आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप जाके आप फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हो और आप क्रिकेट, आपको बंदा पकड़े क्रिकेट खेलने लीजिए, तो डेफिनेटली आपका दिल भी नहीं करेगा और वहाँ पर आप परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका इंटरेस्ट ही नहीं है. तो एक स्किल जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होगी, आपका कैरियर सक्सेसफुल नहीं होगा. इसके अलावा यू डू नॉट गो फॉर द स्किल हैज़ नो मार्केट वैल्यू. एक स्किल की मार्केट वैल्यू नहीं है, तो आपको उसमें नहीं जाना चाहिए. आप कहते हो मैं काइट अच्छी उड़ा लेता हूँ, मैं बैट अच्छा बना लेता हूँ, मैं बैडमिंटन अच्छा खेल लेता हूँ, मैं बंटे अच्छा खेल लेता हूँ, तो ये चीज़ें तो इनकी तो फ्रीलांसिंग मार्केट में वैल्यू ही नहीं है. सो आपको ये चीज़ को डिसाइड करना है, इस चीज़ को कि आप क्राफ्ट करने एक स्किल को, कि आप कौन सी स्किल लेके उसमें अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो एज अ फ्रीलांसर. देन उसके बाद मोस्ट चीज़ ये है कि आपने डिसाइड करना है कि स्किल को आपने टाइम देना है, स्किल में एक्सपीरियंस गेन करना है, इसमें स्किल को पॉलिश करना है, आपकी कंसिस्टेंसी, पेशेंस, सब कुछ ज़रूरी है. उसके बाद जाके आप उस स्किल में सक्सेसफुल होते हो. सो क्राफ्टिंग योर स्किल इज़ द मेन थिंग. और जब तक आप लोग ये नहीं करोगे, अपनी डिसाइड नहीं करोगे कि कौन सी स्किल आप लेके चल रहे हो, आपके लिए फ्री लेंसिंग में कामयाब होना बहुत मुश्किल है. जैसे वासिफ अली वासिफ का कहना है कि खुशनसीब हैं वो लोग जिनका ज़रिया माश उनकी हॉबी है. तो अगर तो आपकी हॉबी इन स्किल्स में से कोई एक है या ऐसी स्किल में से जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रीलांसर बन सकते हैं. अदरवाइज आपको डिसाइड करना है कि कौन सी फील्ड आपके लिए गुड टू गो है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस स्किल में ग्रिप हासिल करें, ताकि आप लोग उसमें एक अच्छा करियर एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट कर सकें. सो थैंक यू सो मच. अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.